Hello students, in this we'll do one more report on World Environment Celebration, and it's like you are Kavita Kavi, student editor of DAV School Gwalior. So your school has recently celebrated World Environment Day and you have to write a report on that. So this is the beginning of Haryana Board students, that whenever you are going to attempt this report, you have to write the name of the school, DAV School Gwalior. Here you have to write comma, World Environment Day in capitals, a report, and then here you have to write the date. But if you are the student of CBSE or ICSE board, then you have to follow the other pattern. So now if you are the student of ICSE or CBSE board, then you have to write the heading of the report first, World Environment Day. This is CBSE board pattern, report by colon Kavi. Agar aap boy hai, Kavi likhiye, head boy, yahan pe designation daliye. So here you will write the name of the person who is giving report, and then here you will write the designation, and then here you will write DAV School Gwalior, and then here you will write the date. You will write the date when you are in the exam. So this is the pattern followed by CBSE board, and then the below detail is same for both the boards. So after the date, this below detail, it is same. So we can begin with 5 June is celebrated as the World Environment Day. 5 June jo hai, woh World Environment Day ke roop mein celebrate kiya jata hai. Every year in our school, hamare school mein har saal aisa hota hai. Yesterday it was observed in a very grand manner. Aur kal 5 June ko ye bahut hi bhavya tarike se hamare school mein samaroh ka aayojan hua. The purpose was to make students and people aware of importance of conservation of nature. और जो ये रिपोर्ट, ये जो मकसद था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, वो ये था कि स्टूडेंट्स को और लोगों को, स्टाफ को प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करना. The principal of the school planted a neem tree in one corner of the school ground. और शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने स्कूल ग्राउंड के एक कॉर्नर में एक नीम का वृक्ष उगाया. आप लोगों को पता है कि नीम का वृक्ष बहुत अच्छा होता है, ये प्रकृति में जो हवा वायु है उसको बहुत अच्छे ढंग से शुद्ध करता है. लेटर ऑन मैनी असेंबली एक्टिविटीज लाइक ग्रुप सॉन्ग, ड्रामा, सोलो सॉन्ग, माइम वेयर परफॉर्म ऑन द स्टेज रिगार्डिंग वैल्यू एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट. और उसके बाद जब प्रिंसिपल ने वृक्षारोपण किया, उसके बाद असेंबली में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें कि ग्रुप डांस था, ड्रामा था, सोलो डांस था, एक्टिंग थी, और इन सब प्रोग्राम्स का जो विषय था वो था प्रकृति, एनवायरमेंट जो है हमारा, जो हमारा पर्यावरण है उसको कंजर्व करना, उसको प्रदूषण से मुक्त करना. क्लासेस 3rd to 5th स्टूडेंट मेड ब्यूटिफुल पोस्टर्स ऑन थीम सेव ट्री सेव लाइफ. और उसके बाद जो क्लासेस 3rd से 5th के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सेव ट्री सेव लाइफ के ऊपर सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए. स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 6th to 12th रोट वेरी इनडेलिबल स्लोगन्स ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन. और उसके बाद 6th to 8th के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे स्लोगन, इनडेलिबल होता है जिसको हम भूल नहीं सकते, इतने अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हैं पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर. स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th गेव वंडरफुल मैसेजेस ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन थ्रू देयर स्पीचेस. और कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों ने अपने स्पीचेस के माध्यम से बहुत अच्छे मैसेज दिए कि कैसे प्रदूषण हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचाता है. एट लास्ट और अंत में द प्रिंसिपल गेव प्राइजेस टू द बेस्ट परफॉर्म्स. और उसके बाद एंड में प्रिंसिपल ने जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस थे उन सबको प्राइज दिया. द प्रिंसिपल मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ टू कंजर्व एनवायरमेंट. और अंत में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को और स्टाफ को उनका उत्साहवर्धन किया, उनको प्रोत्साहित किया पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए. द प्रोग्राम एंडेड एट 2 PM और जो प्रोग्राम है वो 2 बजे समाप्त हुआ. तो इस प्रकार आप अब हरियाणा बोर्ड में हैं तो आप लिखेंगे रिपोर्टेड बाय, कॉलन लगा के नाम लिखिएगा, गर्ल है तो कविता और बॉय है तो कवि, स्टूडेंट एडिटर. लेकिन CBSE बोर्ड के बच्चे ये नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे क्योंकि हम ये चीज़ टॉप में मैंशन कर चुके हैं. So this is very important report, it comes in exam. I hope you have liked it. Thank you.